हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और आज छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो है सैचुरेशन होराइज़न, यानी संतृप्तता संस्तर। बेसिकली क्या होता है इसे समझने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा या सुना होगा कि कोरल्स होते हैं, यानी प्रवाल होते हैं, जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, और इनका जो बाहरी कवच होता है यानी शरीर का जो आउटर इनका शेल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र की ऊपरी सतह जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है। यानी अगर समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी यानी अवशोषित होगी, जैसे कि समुद्र में भी पेड़ पौधे होते हैं, हमको पता ही है, प्लैंक्टन्स होते हैं, ये समुद्री पादप होते हैं, ये सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होती है तो ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर समुद्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी तो वो कहाँ से होगी? ओशन की सरफेस से, यानी ऊपरी सतह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी। जो भी समुद्री जीव हैं वो, या जो पेड़ पौधे हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से जाएगी? समुद्र की सतह से। तो यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है या आदान प्रदान हो रहा है वो कहाँ से होता है? समुद्र की सतह से होता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं समुद्र में, उसका लगभग 90% यानी 90% जो ऑर्गेनिज्म है यानी जीव हैं, चाहे वो पादप हों या जंतु हों, समुद्र में पाए जाने वाले वो ज़्यादातर ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है वो ऊपरी सतह पर ही ज़्यादा आता है। जैसे जैसे समुद्र में गहराई पर जाते हैं जो ये प्रकाश है ये रुकता जाता है, और जो है ठंड जो है बहुत ज़्यादा, पानी ठंडा होता जाता है। तो इसलिए जो ऊपरी सतह है वहाँ पर प्रकाश के लिए पादप वहीं पनपेंगे प्रकाश की वजह से, और जब पादप वहीं पनपेंगे तो जो जंतु हैं वो भी समुद्र की ऊपरी सतह पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कार्बोनेट आयंस होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी कहाँ मिलेगा? समुद्र की ऊपरी सतह पर ही ज़्यादा मिलता है। अब जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं समुद्र की, वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है यानी कोल्ड वाटर आएगा। कोल्ड वाटर की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो यानी एक ऐसी समुद्र में लेयर होती है, उस लेयर के अगर हम नीचे जाएंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट आयन है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिज़ोल्व होने की दो वजह है, एक तो पानी ठंडा है, दूसरा क्या है, वहाँ पे कार्बोनेट आयन ऑलरेडी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ जंतु नहीं है, जीव जंतु कम है, तो उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आउटर शैल है यानी कवच है वो भी डिज़ोल्व होके कम पाया जाएगा, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का आयन भी कम है। और दूसरा क्या है, वहाँ पे पानी भी ठंडा है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी कैल्शियम कार्बोनेट अगर वहाँ बन भी पाए तो वो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो एक ऐसी लेयर जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट आयन घुल जाता है और उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट आयन नहीं घुलता है, उस एक संस्तर को हम बोलते हैं सैचुरेशन होराइज़न यानी संतृप्तता संस्तर। तो पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आ गई कि संतृप्तता संस्तर क्या होता है, कि कैल्शियम कार्बोनेट आयन जिस गहराई के बाद घुल जाते हैं उस गहराई वाली एक लेयर को, उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, संतृप्तता संस्तर बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर जैसे कि हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जो है वायुमंडलीय ऊष्मान हो रहा है यानी गर्मी बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के क्या प्रभाव होते हैं समुद्र पर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एक्सचेंज हो रही है? समुद्र की सतह से एक्सचेंज हो रही है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी तो उतने ज़्यादा ये कैल्शियम कार्बोनेट आयन को क्या करेगी, ब्रेक कर देगी, और क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनेट आयन्स बनाएगी, बाइकार्बोनेट बनाएगी, कार्बोनिक जो है एसिड बनाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, जब ये एसिड बनता है यानी H2CO3 बनता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, समुद्र का एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, उसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया यानी तोड़ दिया, और उसमें से कार्बोनेट आयन और उसको निकाल के उन्होंने क्या बना लिया, H2CO3 बना लिया। ठीक है, अब H2CO3 बन गया यानी वो क्या है, एक अम्ल है, अम्ल है यानी जो है समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है, समुद्र का जो है एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी उसकी pH वैल्यू जो है घटती जाएगी। अब एसिडिफिकेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, फिर वो रिवर्स प्रोसेस है, जितना ज़्यादा एसिडिफिकेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है उतना ज़्यादा कम होता जाएगा, तो यानी उतना ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ोल्व होगा, घुलेगा। तो जैसे जैसे एसिडिफिकेशन होता है वैसे वैसे क्या होता है आपका,
जो कोरल्स हैं या और भी जो समुद्री जीव हैं उनकी मात्रा जो है समुद्र में घटने लग जाती है, उनकी संख्या समुद्र में घटने लग जाती है, और कोरल्स जो हैं, जो प्रवाल हैं हमारे, उनकी डेथ होने लग जाती है, उनकी मृत्यु होने लग जाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पहली बात तो सैचुरेशन होराइज़न क्या होता है, दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग का कोरल्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कैसे पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है। तो होपफुली ये वीडियो आपको लगा होगा इंटरेस्टिंग, और आपके एग्ज़ाम्स में जब भी आप किसी भी सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्ज़ाम लिखेंगे या जहाँ भी आपको लिखने का मौका मिलेगा किसी आंसर में, और कोरल्स तो बहुत ही जनरल टॉपिक है, वहाँ आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको और भी ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आप हमारा फेसबुक पेज है या टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।